तो आज का जो टॉपिक है वो है वॉल वॉश। वॉल वॉश किस में होता है? जो केमिकल कैरियर्स होते हैं, केमिकल टैंकर जो होते हैं, उनको जो केमिकल कार्गो टैंक्स के अंदर लोड करने के पहले वॉल वॉश करना होता है। वॉल वॉश क्यों करते हैं? क्योंकि जो केमिकल्स है, केमिकल्स सेंसिटिव होते हैं और वो कंटेमिनेट हो सकते हैं। इसके लिए वॉल वॉश करना बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ टेस्ट है, जो टेस्ट आपको वॉल वॉश करने के बाद, वॉल वॉश आपका जो हुआ है वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए टेस्ट होते हैं। वो कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है, उसमें से दो टेस्ट मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। एक होता है हाइड्रोकार्बन टेस्ट, एक होता है क्लोराइड टेस्ट। मतलब जो वॉल वॉश हुआ है, वॉल वॉश का जो सैंपल है, जो सैंपल के अंदर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है या नहीं है, क्लोराइड प्रेजेंट है या नहीं है, इसके ये टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट कैसे किए जाते हैं, इसका क्वेश्चन आपको ओरल्स में या रिटन में पूछा जाता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन टेस्ट कैसे करते हैं और क्लोराइड टेस्ट कैसे करते हैं। वॉल वॉश में आपको डीआयनाइज वाटर यूज़ करना है। डीआयनाइज वाटर मतलब क्या? वाटर के अंदर के जो आयंस है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो है, उन्हें निकालना होता है। वो निकालने के बाद प्योर वाटर मिलेगा। वो वाटर जो प्योर वाटर मिला है आफ्टर रिमूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, वो वाटर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डीआयनाइज वाटर बाय रिमूविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जो प्योर वाटर रहेगा वो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोकार्बन टेस्ट में क्या होता है, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब यूज़ करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब में क्या होगा, 25 ml सैंपल लेंगे। सैंपल कौन सा? वॉल वॉश करने के बाद में, वॉल वॉश करने के बाद में चारों बल्कहेड से सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है। वो सैंपल में से 25 ml सैंपल एक टेस्ट ट्यूब में भरेंगे और 75 ml वाटर भरेंगे। वाटर कौन सा? डीआयनाइज वाटर। तो 75 ml डीआयनाइज वाटर और 25 ml सैंपल, ठीक है, सैंपल मतलब आपका वॉल वॉश का जो सैंपल कलेक्ट किया था वो वाला सैंपल। तो 25 ml सैंपल एंड 75 ml वाटर, एक टेस्ट ट्यूब हो गया। दूसरे टेस्ट ट्यूब में 25 ml मिथेनॉल प्लस 75 ml वाटर। एक में मिथेनॉल वाटर हो गया, एक में सैंपल एंड वाटर हो गया, ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब को हम लोग डार्क रूम में लेके जाएंगे और उसके ऊपर लाइट मारेंगे। दो टेस्ट ट्यूब है, एक के अंदर सैंपल एंड वाटर है, दूसरे के अंदर मिथेनॉल एंड वाटर है। 25:75 रेशियो है, ठीक है, 75 ml डीआईएनएस वाटर है। दोनों टेस्ट ट्यूब के हम लोग क्या किया, दोनों टेस्ट ट्यूब को डार्क रूम में लेके गए और वहां पर फ्लैश मारा। फ्लैश मारने के बाद में आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर उसके अंदर ब्लूइश टिंक मतलब हल्का सा नीला लाइन, अगर ब्लूइश हल्का सा कलर दिखता है तो हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। स्लाइट अमाउंट मतलब कम अमाउंट में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है अगर ब्लूइश हल्का सा कलर दिखा तो। बॉटम में चेक करना है हमें, बॉटम में अगर हल्का सा ब्लू कलर दिखा तो हाइड्रोकार्बन स्लाइटली प्रेजेंट है। अगर स्ट्रॉन्ग मिल्की वाइट है मतलब दूध जैसा अगर सफ़ेद हो गया, जो सैंपल था दूध जैसा सफ़ेद हो गया, तो मॉडरेट और हैवी परसेंटेज में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, ये किस में चेंजेस आएंगे, जो आपका सैंपल एंड वाटर है उसमें चेंजेस आएंगे। जो दूसरा मिथेनॉल वाटर है वो आपका कंपैरिजन ट्यूब है, मतलब इसके साथ ये कंपैरिजन करना है कि हमने कैसे रखा था अभी कैसे हो गया। ठीक है, अगर ब्लू कलर आता है स्लाइटली तो स्लाइट मतलब हल्के से हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। अगर व्हाइट मिल्की कलर आता है तो उसके अंदर ज्यादा परसेंटेज, मॉडरेट या ज्यादा परसेंटेज में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, 25:75 रेशियो। ठीक है, ये हो गया हाइड्रोकार्बन टेस्ट। अभी क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है कि जो टेस्ट ट्यूब हमने जैसे बनाया था 75:25, 25% क्या था आपका सैंपल था, सैंपल कौन सा, वॉल वॉश का। ठीक है, जो वॉल वॉश का 25% सैंपल रखा डाला था और 75 ml पानी डाला था, वो वाला टेस्ट ट्यूब लेना है। उस टेस्ट ट्यूब में आपको 5 ड्रॉप ऑफ 10% सिल्वर नाइट्रेट डालना है। ध्यान रखना, 5 ड्रॉप्स ऑफ 10% सिल्वर नाइट्रेट, 10% सिल्वर नाइट्रेट के 5 ड्रॉप डालने हैं, जो आपका सैंपल प्लस पानी का ट्यूब था और जो मिथेनॉल और पानी का ट्यूब था उसके अंदर भी आपको 5 ड्रॉप डालने हैं, 10% ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो आपने ये किया, दोनों ट्यूब के अंदर 5 5 ड्रॉप डाले, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के, और 15 मिनट वेट किया। 15 मिनट वेट करने के बाद में आपको सेम ट्यूब्स, सेम जैसे हमने हाइड्रोकार्बन में किया था, डार्क रूम में लेके जाओ, उसके ऊपर लाइट मारो।
ठीक है। अभी ऑब्जर्वेशन में अगर टर्बिडिटी दिखती है, टर्बिडिटी मतलब पानी अगर गंदा होता है, ठीक है, अगर क्लाउडी दिखता है, क्लाउडी मतलब आपको कुछ उसके अंदर दिख नहीं रहा, क्लाउडी हो गया, टर्बिडिटी आ गई, अगर टर्बिडिटी आती है तो उसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में क्या हो गया था, ब्लू हो गया था, ब्लू हो गया तो स्लाइट अमाउंट हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अगर मिल्की हो गया, पूरा व्हाइट हो गया, सफेद हो गया, तो हाइयर परसेंटेज, ज्यादा परसेंट या मॉडरेट परसेंट में हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। अभी क्लोराइड टेस्ट में क्या किया हमने, 5 ड्रॉप डाले 10% सिल्वर नाइट्रेट के, ये ध्यान में रखना, 5 ड्रॉप्स ऑफ 10% सिल्वर नाइट्रेट, वो डालने के बाद में हमने सेम चीज किया, 15 मिनट वेट करने के बाद में वो दोनों ट्यूब्स डार्क रूम में लेके गए, लाइट मारा, लाइट मारने के बाद अगर टर्बिडिटी दिखती है, मतलब अगर क्लाउडी दिखता है, क्लाउडी दिखने के बाद में हम लोग रिजल्ट देंगे कि इसके अंदर क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। दो टेस्ट हो गए, एक हो गया हाइड्रोकार्बन टेस्ट, एक हो गया क्लोराइड टेस्ट। इसके बाद के टेस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।